हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे होली स्पेशल एक फ्यूजन मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, गुजिया मावा टार्ट। कंपेयर टू योर ट्रेडिशनल गुजिया, ये बेक्ड है, लेसर कैलोरीज हैं, हेल्दी है, जिसको हमने होल व्हीट फ्लार और अनरिफाइंड शुगर से बनाया है। इसकी पूरी रेसिपी आपको मेरे ब्लॉग पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो हमने आटा लिया है, आटे के अंदर हम डाल देंगे अपना कॉर्नफ्लावर, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। और उसमें डालेंगे 1 pinch salt, ठीक है। सो मिक्स करने के बाद ये जो हमारा सॉलिड घी है वो हम इसमें डालेंगे। आपको पूरी रेसिपी मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे शेयर किया है। हम इसमें से रब करेंगे, फ्लावर में अच्छे से आपका जो घी है वो मिक्स हो जाए। सो ये पूरा जस्ट लाइक फाइन ब्रेड क्रम्स हो गया है, लाइक अ कोर्स सैंड। अब हम इसमें धीरे धीरे अपना कोल्ड वाटर डालेंगे, 1 tablespoon। इसमें मैंने थोड़ा सा सेफ्रन मिक्स करके रखा है। बाद में थोड़ा थोड़ा कोल्ड सेफ्रन इन्फ्यूज्ड वाटर, वील ब्रिंग दिस टुगेदर। हम इसको ज्यादा नीड नहीं करना है, वील जस्ट ट्राई टू ब्रिंग दिस टुगेदर। बॉल बन के आ गया है, हम इसको एक डिस्क के जैसे फ्लैट करेंगे। Then we will cover this. It's neither too tight nor too soft. Medium stiff dough hai. And we will cover this and place it in fridge. So you have to apply gentle pressure while doing it. If there are cracks, just try to fix it. If it is too crumbly, just dab little bit of cold water in your hand and bring the dough together. So we'll roll it. Apply gentle pressure only. Don't worry about the size because we are going to cut them anyways according to our tart size. To lift your dough up and place it in the lightly greased tart tin. Gently place it. We are not aiming for tall edges of this tart, since the dough has a lot of ghee in it. If you can see the cracks, just try to fix it with your fingers and thumb. If you're not able to do it, just apply a dab of water in your hand and try to fix it. That's it. Prick our tart and preheat our oven at 200 degrees Celsius. In the meantime, we can place this tart in the fridge. Whatever dough was left, I used it for making 3 more tartlets. Again, I'm going to be placing these into freezer till the time the oven is preheated. फॉर द फिलिंग हमने यूज़ किया है इंस्टेंट खोया, जो मैंने मिल्क पाउडर, घी और दूध से बनाया है। अलॉन्ग विद दिस मैंने लिया है कोकोनट पाउडर, और ये है कैश्यू पाउडर। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन पुट अदर नट्स ऑल्सो, बट मेरे घर पे किसी को नट्स ज़्यादा पसंद नहीं है। और स्वीटनर के लिए मैंने लिया है पाउडर्ड खनसरी शुगर। आप कोई भी शुगर यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल स्वीटनर या वाइट शुगर। सो पहले मैं खोए को थोड़ा सा गैस पे मीडियम आंच पे भून लूँगी टिल इट इज़ लिटिल ब्राउन, गोल्डन ब्राउन इन कलर। तो हम इसको भून लेते हैं पहले। खोया
इसको और 2-4 मिनट लो फ्लेम पे करेंगे। सो फॉर मी इट इज लाइट गोल्डन ब्राउन और अब हम इसको उतार लेंगे। इसको कूल करने के लिए वील प्लेस दिस थिन लेयर प्लेट। सो वी आर रोस्टिंग हेयर आर कैश्यू पाउडर एंड कोकोनट ऑन अ लो फ्लेम जस्ट फॉर अबाउट अ कपल ऑफ मिनट्स। दिस इज आवर मावा। मैं इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ। अभी दोनों हल्के गर्म हैं और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कार्डमम पाउडर, हमारा इलायची पाउडर फॉर फ्लेवरिंग। लेट्स मिक्स दिस वेल। वार्म टू टच नॉट वेरी हॉट। तो हम अपनी स्वीटनर जो है खनसरी शुगर या जो भी शुगर आप यूज़ करें उसको डालेंगे। फर्स्ट आई एम एडिंग जस्ट 2 स्पून। आई एम एडिंग 1 more spoon ऑफ खनसरी शुगर। So you can taste this and see if sugar is as per your taste and you can add some more if you want. For me this much sweetness is fine. I have taken 1/4 cup, that is 4 tablespoons of khansari sugar and 1/2 cup plus 2 tablespoons of water. We'll mix that together. And then we can add some cardamom powder for flavoring. Also you can use some saffron strands and then we'll place it on a gas and make a sugar syrup. Now we've placed this on gas. Let the sugar melt fully. Simmer it for another 2 minutes till it sticks like honey. So now you can place it here. Let it cool and we'll check. It's sticking like honey. It's done. So we'll switch it off. So our tart is ready. If you can see, it has left the sides of the tart tin. We'll place it on a glass like this and now we'll coat this with the sugar syrup. आप इसको ब्रश से कर सकते हैं, पेस्ट्री ब्रश से, या डिप भी कर सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू कोट दिस विद द शुगर सिरप। ऑल्दो दिस इज एन ऑप्शनल स्टेप, इफ यू वॉन्ट यू कैन स्किप द कोटिंग विद शुगर सिरप पार्ट, बट इट हेल्प्स इन मेकिंग इट मॉइस्ट एंड इट ऑल्सो गिव्स अ नाइस शाइन टू योर टार्ट। And this is a hot saffron infused milk. If you like, you can skip the saffron and you can just put plain milk, hot milk. Now we'll try to bind this together by adding spoons of milk gradually. Smoothen karenge by adding little milk. A soft smooth ball. इसको हम थोड़ा फ्लैटन करेंगे एज पर आर टार्ट साइज एंड विल ट्राई टू फिक्स द एजेस। इसको मॉइस्ट साइड पे रखिए, ड्राई साइड पे नहीं, बिकॉज जैसे जैसे ये कूल होगा इट विल गेट ड्रायर, सो वी वुड वॉन्ट इट टू बी वेरी मॉइस्ट। द टार्ट एज यू कैन सी इसने पूरा शुगर सिरप सोक कर लिया है। अब हम इसको प्लेस करेंगे एंड विल जेंटली प्रेस दिस। टार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, यू हैव टू जस्ट प्रेस दिस पार्ट। एजेस पे थोड़ा सा मिल्क लेके आप स्मूदन आउट कर सकते हो। विल गार्निश दिस विद चॉप्ड पिस्टैचोस। अगेन सिंस आई हैव सिल्वर वर्क एट होम, तो मैं थोड़ा थोड़ा उसको अप्लाई करूंगी टू गिव इट अ फेस्टिव फील,
as we all know, Holi is around the corner, and this is perfect dessert for your Holi party. This is how our tart looks. So, इसका जो क्रस्ट है वो बहुत ही खस्ता है और जो फिलिंग है वो बहुत ही रिच, इंडल्जेंट एंड मेल्ट इन माउथ है. सो गाइज, इफ यू लाइक द रेसिपी, गिव इट अ थम्स अप, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपडेट्स ऑन न्यू इंटरेस्टिंग रेसिपीज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.